नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम नेहा है। बहन जी आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा 2013 में ली, अप्रैल के मंथ में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले हम देवी देवताओं की पूजा करते थे, जिसका हमें पता ही नहीं था कि देवी देवता की पूजा क्यों और किस लिए करनी चाहिए। क्योंकि कोई भगवान ऐसा नहीं हो सकता कि उसके चमत्कार किसी को बताने से वो चमत्कार ही गायब हो जाए। क्योंकि मैं शिवजी भगवान की पूजा ज़्यादा करती थी, तो मैंने कभी भी शिवजी भगवान के लिए व्रत करे या कुछ भी उनसे मांगा तो वो जभी की जभी पूरा हो जाता था नेक्स्ट डे। बट जब ये चीज़ मैंने एब्जॉर्व करी कि हाँ मेरी मतलब मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं, तो मैं अपनी मदर को या किसी को बताऊं कि मेरे तो ये भगवान है, मेरी मनोकामना पूरी होती है। तो जब मैंने अपनी मदर को बताया तो नेक्स्ट डे से या फिर जब भी मैं कुछ मांगती थी तो मेरा पूरा ही नहीं होता था। तो मैं ये सोचती कि भगवान ऐसा होता है कि मनोकामना किसी को बता देने से फिर वो उसकी मनोकामना ही नहीं सुनता, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो मेरे मन में बहुत सारे सवाल उठते थे कि लोग बोलते हैं, रूढ़ीवादी परंपरा है, कि गर्ल्स के पीरियड्स होते हैं तो वो मंदिर में नहीं जा सकती, वो कोई भी भगवान है उसके आसपास भी नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि जो ये चीज़ है वो तो परमात्मा ने ही उसे दी है, नेचुरली है, कोई हमने अपने आप थोड़े ही लगाई है जो इस चीज़ को इतना अछूत मानते हैं। तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस घूमते थे। हमारी एक पर्सनल शॉप है प्राइवेट जो मेरे फादर चलाते हैं इलेक्ट्रॉनिक की, उस पर क्योंकि हम किसी भी डेरा से या किसी भी गुरु के बारे में ना तो जानते थे और ना ही मेरे फादर को कोई इंटरेस्ट था। एक मेरी आंटी थी जो कि राधा स्वामी से जुड़ी हुई थी, वो हमें बोलती थी और हमारे फादर को कि तुम ये बुक पढ़ो, तुम्हारे ज्ञान समझ में आएगा तो तुम गुरु भी बनाओगे और गुरु बनाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बट मेरे फादर जब भी उस बुक को लेके आते थे डेरा, मतलब जो वो आंटी थी डेरे से लेके आती थी वो बुक, मेरे फादर को देती थी। जब भी मेरे फादर उस बुक को पढ़ते थे तो नेक्स्ट डे हमारी शॉप पे ना कुछ नुकसान ही हो जाता था। तो मेरे पापा उसको पढ़ के थोड़ा बहुत और वापस कर देते थे कि ये बुक पढ़ने से मुझे हानि हो जाती है तो मैं इस बुक को क्यों पढ़ूं। उस टाइम हमारे दिन ऐसे थे कि आर्थिक स्थिति भी, हम पैसे कमाते थे, महीने में लाख लाख रुपए आते थे, पर यही नहीं पता चलता था कि वो पैसे गए कहाँ। क्योंकि हमारे ऊपर जो हमारे चाचा ताऊ थे, हमारे सगे, उन्होंने ही हमारे पापा के ऊपर जिन और प्रेत, मतलब जो काली तांत्रिक विद्या होती है, वो करवा रखी थी। मेरे फादर गुटखा भी खाते थे। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? एक दिन शॉप पे एक संत रामपाल जी महाराज का शिष्य आया और उसने मेरे फादर को बोला कि तुम ये बुक ले लो। तो मेरे फादर ने बोला कि नहीं, मैं नहीं ले रहा ये बुक, सब गुरु मतलब ऐसे ही होते हैं, हमें नहीं लेनी ये बुक। तो वो मतलब ज़बरदस्ती ही बोला कि नहीं आप ले लो ये बुक। तो मेरे फादर ने फिर उस बुक को लिया और उस बुक को लेते ही विद इन 2 या 3 डेज में रात भी दिन भी मुझे भी बोला कि तू मुझे पढ़ के सुना दे, मेरे को दिखाई नहीं दे रहा। पर हमारी बुद्धि इतनी बच्चों वाली थी, हमने बोला नहीं हम नहीं पढ़ रहे, आप खुद ही पढ़ लो। उस बुक को पढ़ा तो मेरे फादर बोले कि मुझे जाना है बरवाला और नामदान लेके आना है। तो मेरी मम्मी बोली ठीक है हम दोनों चलेंगे। तो मेरे फादर और मेरी मदर दोनों के दोनों संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम बरवाला गए 2013 फेब में। उसके बाद वहाँ पर गए तो उन्होंने नाम दीक्षा ली, तो मेरे फादर और मेरे मदर लेकर आ गए। फिर 2 मंथ्स के बाद मेरे को बोला, मेरी मम्मी आके बताने लगी कि वहाँ का वातावरण ऐसा है, वहाँ पर ऐसे भगत बैठते हैं। तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट बना कि हाँ मुझे भी जाना चाहिए, जबकि मुझे ये नहीं पता था। मैंने उस टाइम 12th क्लियर करी थी 2013 में, मेरा फ्री भी टाइम था उस टाइम पेपर देने के बाद। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इंटरेस्ट बना, जाके देख भी लूँ कि क्या है क्या नहीं। तो मैंने सतलोक आश्रम बरवाला जाने के बाद मेरा मन ऐसा हो गया जैसे हम पता नहीं किस परिवार में आ गए हैं। क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि दिल्ली में और सिटीज़ में कितना जॉइंट फैमिली होती थी पहले, और अब जॉइंट ना रहकर सिंगल फैमिली हो गई है, तो बच्चों को वो चीज़ तड़प होती है। तो इसलिए जब मैं वहाँ गई तो मैंने देखा कि हाँ ऐसा लगता था कि पूरा परिवार है हम, ना किसी से राग द्वेष ना कुछ। तो मैंने सोचा कि हाँ मुझे भी नाम दीक्षा लेनी चाहिए, बट मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि गुरु बनाना चाहिए या नहीं चाहिए। बट मैंने उस टाइम अप्रैल में मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली।
बहन जी, हमने सुना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद श्रद्धालु को बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं, तो क्या आपको भी लाभ प्राप्त हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? हाँ सर, मुझे मेरी मानसिक स्थिति, मतलब जो आजकल का कल्चर है उसमें मेरा थोड़ा सा माइंड लगा हुआ था, मैं थोड़ा सा ना मेंटली डिस्टर्ब थी, एक तो यहाँ सिटी में, और ऊपर से रूढ़ीवादी मेरे फादर और मदर की थोड़ी सी सोच थी कि बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल नहीं होते, तो मेरे को इस चीज़ से बहुत इरिटेशन होती थी कि नहीं, गर्ल्स क्यों नहीं है बॉयज़ के बराबर। जब मैंने नाम दीक्षा ली तो इससे मेरे माता पिता की सोच में भी प्रभाव हुआ, और मुझे भी मेंटली जो डिस्टर्ब रहती थी मुझे भी उससे आराम हुआ, और मेरे जो फादर थे उनके ऊपर भूत प्रेत का साया रहता था, वो डेली की डेली जब भी पूजा करते थे तो उन पे भूत खेला करते थे, और वो अकेले, हम तो स्कूल चले जाते थे उसके बाद मेरी मदर संभालती थी उन्हें, वो एक पैर पे खड़े होकर डांस किया करते थे, और नवरात्रों में वो अपना खून चढ़ाया करते थे मूर्ति पे। संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने के बाद मेरे फादर का गुटका छूटा, उनके ऊपर भूत प्रेत की साया बिल्कुल ख़त्म हो गया, और उनके शरीर में जो कैंसर बताया था डॉक्टरों ने, क्योंकि कैंसर की तो कोई दवाई है ही नहीं, अगर आप इलाज भी करोगे तो भी वो इलाज कंटिन्यू रख के भी आप कभी भी मृत्यु को प्राप्त हो सकते हो, तो मेरे फादर ने दवाई छोड़ दी थी कि नहीं मैं अब दवाई खाऊंगा ही नहीं, और उन्होंने किसी को बताया भी नहीं था कि मुझे कैंसर है। जब उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली उसके बाद उन्होंने बोला कि मुझे कैंसर था, घर में बताया, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं घर में बताऊंगा तो पहले से ही हमारी आर्थिक स्थिति खराब हो रही है और ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगी मेरी मदर, क्योंकि मेरे फादर मेरी मम्मी को बोलते थे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले कि मैं कुछ दिनों का और हूँ, मैं मर जाऊँगा उसके बाद, तो मेरी मम्मी इस चीज़ को लेकर रोती थी, इसलिए मेरे फादर ने मेरी मदर को नहीं बताया था। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली तो मेरे फादर ने मेरी मदर को बताया कि हाँ मुझे पहले कैंसर था और शरीर में गांठें भी थी उनकी, वो कैंसर की वो अब ख़त्म हो गई है, और मुझे टाइफॉइड था 2 साल पहले, तो वो 2 साल पहले टाइफॉइड था हल्का फुल्का, तो मुझे लगा कवर हो जाएगा, मैंने थोड़ी बहुत मेडिसिन ले ली, क्योंकि गुरुजी भी कहते हैं कि दवाई भी परमात्मा ने ही बनाई है, उसका उपयोग भी हमें करना चाहिए। जब मैंने दवाई खाई तो उस टाइम ठीक हो गया था, बट उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो क्लियरली ठीक नहीं हुए थे। फिर मुझे अभी 3 मंथ्स पहले सितंबर में टाइफॉइड दोबारा हुआ, मुझे पहले फीवर चढ़ा बहुत तेज़, फिर टाइफॉइड हुआ, मैंने जब टेस्ट कराया तो टेस्ट के उपरांत जो टाइफॉइड था वो 320 था, तो मैंने डॉक्टर को पूछा तो मैं एक दिन रोने लगी गुरुजी के दरबार के सामने के, संत रामपाल जी महाराज आपके सिवा कोई डॉक्टर है ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि सभी पैसे के लिए भाग रहे हैं, किसी को ज्ञान ही नहीं है कि समाज की सेवा से लाभ होता है या पैसों से लाभ होता है। तो उसी टाइम मैंने जल अमृत लिया जो संत रामपाल जी महाराज के जो दिया जाता है आश्रम में, मैंने वो प्रसाद लिया, और उस प्रसाद को लेते ही विद इन आर मेरा जो फीवर था वो बिल्कुल गायब हो गया और मुझे रिलैक्स फील हुआ, तो फिर मैंने दवाई छोड़ दी, मैंने कहा मैं अब दवाई नहीं लूँगी, जब मेरा टाइफॉइड परमात्मा ने ठीक ही कर दिया तो मैं डॉक्टर के आगे धक्के क्यों खाऊं। पहले आर्थिक स्थिति खराब थी, जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली तो हमारी जो आर्थिक स्थिति थी वो भी ठीक होने लगी, क्योंकि जो हमारे पैसे थे पहले हमें यही नहीं पता चलता था कि वो जाते कहाँ हैं, क्योंकि हर महीने हर तीसरे महीने तो हमें तांत्रिकों के पास जाना पड़ता था कि हमारे भूत प्रेत वापस आ गए हैं तो उन्हें भगाओ, इन्हीं के चक्करों में लगे रहते थे हम। जब हम संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेकर आए तो हमें इन खर्चों से भी निजात मिला, और बाकी जो डॉक्टर्स को खर्चे देने पड़ते थे फालतू दवाइयों के उनसे भी निजात मिला, तो जो भी अब मेरे पापा कमाते हैं उससे हमारी फाइनेंशियल स्टेटस ठीक हुई। आज मेरी फैमिली संत रामपाल जी महाराज जी की दया से बिल्कुल खुशहाल है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त है, तो क्या वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो सकते हैं? उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी वो अभी भी जेल में है और फिर भी उनका प्रचार इतनी तेज़ी से चल रहा है, जनता को ये देखना चाहिए कि उनका प्रचार तेज़ी से क्यों चल रहा है और इस बात में सच्चाई क्या है, क्योंकि जब तक हम सच को देखेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा
के सच क्या है, क्योंकि एक कवि ने कहा है कि अगर कबीर साहब आज होते तो वो जेल में कहीं सड़ रहे होते। तो ये बात आज के ज़माने में सत्य है, क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज जी कबीर जी द्वारा दिया हुआ ज्ञान ही बता रहे हैं कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। इसीलिए हमारे संत रामपाल जी महाराज जी को राजनीतिक षड्यंत्र के तहत जेल में डलवाया गया है। तो जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इतने युग बीत गए हमें भटकते भटकते और इन गुरुओं को भटकाते हुए। गुरुओं ने हमें इतना भड़काया है कि हमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बना दिया है, जबकि परमात्मा एक है। जब परमात्मा एक है तो हम इतने सारे गुटों में क्यों बटे हुए हैं। जब बच्चा होता है तो अपनी माँ की कोख में एक ही प्रकार से जन्म लेता है, तो उसका भगवान अलग कैसे हो गया। सब धर्मगुरु कहते हैं कि परमात्मा एक है, तो उस परमात्मा का नाम क्यों नहीं बताया आज तक किसी ने कि वो परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो, तो हम क्यों अलग अलग पूजा कर रहे हैं जब परमात्मा एक ही है। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहती हूँ कि जब परमात्मा एक है तो उस परमात्मा की खोज करो कि वो है कौन, जो सबको लाभ देता है और मोक्ष प्रदान करता है। तो मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान पढ़ो। मैं उससे ज़्यादा नहीं कहना चाहती, क्योंकि जब तक आप ज्ञान ही नहीं पढ़ोगे तो आपको पता क्या चलेगा कि ये धर्मगुरु हमें जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ है। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने यही बोला है कि ज्ञान पढ़ोगे तभी पता चलेगा कि सच और झूठ क्या है। धर्मगुरु हमारे हम इसी चीज़ से लेके राजनीतिक खेल खेल रहे हैं, और जब तक हम इस चीज़ के लिए जागरूक नहीं होंगे जब तक कुछ नहीं हो सकता। चाहे हम कितने भी पढ़ लें, चाहे कितने भी डिग्री पास कर लें, क्योंकि पढ़ने का एक यही लाभ है कि हम पढ़ के ये देख सकें कि झूठ क्या है और सच क्या है। तो इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुनो और निर्णय करो खुद और नाम दीक्षा लो। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा चैनल पर टीवी पर आता है, उसके नीचे हेडलाइंस चलती हैं, उस हेडलाइंस में कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। उस कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू आप कॉल करके आप पता कर सकते हैं कि हमारे आसपास नामदान केंद्र कहाँ पर है। क्योंकि पहले तो बरवाला में नामदान दिया जाता था, बट परमात्मा ने अब इतनी सुविधा कर दी कि लोगों को कष्ट ना करना पड़े, अपने नज़दीकी नामदान केंद्र खुलवा दिए ताकि वहाँ से ले सके। क्योंकि जो पूर्ण संत होता है उसकी पूर्ण शक्ति कहीं से भी, जैसे सैटेलाइट जो ऊपर होती है उसकी सैटेलाइट की शक्ति वहाँ से भी यहाँ हमारी टीवी चल रही होती है, जबकि हमें सैटेलाइट दिखाई नहीं देती कि सैटेलाइट है कहाँ। ऐसे ही पूर्ण संत तो उससे भी ऊंचा होता है, वो कहीं पर भी हो उसकी शक्ति वहीं से काम करती है। इसी प्रकार हमारे जो नामदान केंद्र खोले हुए हैं, आप वहाँ जाकर आप नज़दीकी नामदान केंद्र से जब भी आपको टाइम लगे, जब भी आपको ज्ञान समझ में आए पूरा, आप वहाँ जाकर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर पूर्ण मोक्ष और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद बहन जी। धन्यवाद।